ओम शांति। सब प्यार से उस परमात्मा को भोग स्वीकार कराया। भोग कुछ और नहीं, हमारी भावनाएं हैं जो हम उस प्रभु तक पहुंचाते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरुजी के पास गया और उसने कहा, गुरुजी, हम रोज भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन पता नहीं वो भोग भगवान के पास तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, इसमें मुझे संशय होता है। तो गुरुजी ने कहा, इस प्रश्न का जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन आज नहीं, कल दूंगा। और उस शिष्य को गुरुजी ने एक श्लोक की किताब दी और कहा, इस किताब में जितने श्लोक हैं वो तुम्हें कल याद करके आना है। तो वो शिष्य, उसने कहा, ठीक है, हम कल सुबह ये आपको सारे श्लोक याद करके सुना देंगे। और वो शिष्य वो किताब लेकर के चला गया और रात भर जाग के उसने वो श्लोक याद किए और सुबह सुबह गुरुजी के पास पहुंचा। और पहुंच के गुरुजी से पूछा, कहा कि गुरुजी, आपने जो ये किताब मुझे दी थी ना, मैंने सारे श्लोक याद कर लिए। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, सुनाओ। और शिष्य ने एक एक करके श्लोक सुनाना शुरू किया। जब शिष्य श्लोक सुना रहा था तो गुरुजी ना में गर्दन हिला रहे थे। तो शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, जैसा जैसा इस किताब में लिखा है मैंने वैसे ही याद किया है, और आपको यकीन ना हो तो आप किताब से देख लीजिए, इसको मिला लीजिए। और फिर से उसने सुनाना शुरू किया तो गुरुजी ने फिर से ना में गर्दन हिलाई। तो शिष्य ने कहा, आप तो अभी देख भी रहे हैं और फिर भी ना कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, सारे श्लोक तो किताब में ही है, तुम्हारे पास कैसे आए? उसने कहा कि सारे श्लोक मैंने याद कर लिए तो सूक्ष्म में वो मेरी बुद्धि में आ गए, बाकी श्लोक तो किताब में ही लिखे हैं। तो गुरुजी ने कहा, ये ही तुम्हारे कल के प्रश्न का जवाब है। कल पूछा था कि भगवान को भोग लगाते हैं, इससे कम तो कुछ भी होता नहीं, पता नहीं भगवान खाता है कि नहीं खाता। ऐसे ही जैसे श्लोक किताब में पूरे लिखे हैं, लेकिन बुद्धि में सूक्ष्म रूप में आ गए, तुम्हारी तुमको याद हो गए, ऐसे ही भगवान उस भोग को सूक्ष्म में स्वीकार कर लेता है। थाली से तो कम नहीं होगा, लेकिन भगवान शक्ति भर देगा।